हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सवाल है कि एशियाई शेरों के लिए विश्व का एकमात्र आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, इसका आंसर गिर नेशनल पार्क था। एक्चुअली अभी हाल ही में ये गिर से याद आया, ये जूनागढ़ गुजरात में है और यहाँ पे बादल फटने की घटना सामने आई थी, बहुत तेज बारिश। बादल फटने का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर 4 से 5 इंच बारिश पानी का, मतलब बारिश का पानी जमा हो जाना, वही आप लोग बादल फटने जैसी घटना कह सकते हैं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर भी है और ये गिर पर्वत है। तकरीबन उस पे 9999 सीढ़ियों के बाद में एक पहाड़ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। एक्चुअली मैं इस जगह पे गया हुआ हूँ और इस मंदिर में भी मैं लगभग 2 से 3 बार गया हुआ हूँ यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैसे तो कहा नहीं जा सकता कि सीधे तौर पे चढ़ा जाए, लेकिन भगवान की शक्ति से काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है ये। सुबह लगते हैं चढ़ाई करने और लगभग शाम हो जाती है। यहाँ बिल्कुल ऊपर आते आते तो यूँ ही महसूस होता है कि जैसे हम बादलों में हैं या पता नहीं किसी बर्फ गिर रही हो, कुछ इस प्रकार का ही महसूस होता है। काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई ना अपने आप में, 10,000 सीढ़ियाँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक जूनागढ़ अभिलेख भी है राजा अशोक का, शायद आपने वो भी सुना होगा, वो प्रैक्टिकल मैंने देखा है। नरसिंह मेहता का घर भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है वैसे देखा जाए तो। हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है इसी की बातें। एनीवे, और आगे चलें अगर हम लोग, तो आज का जो पहला करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले है कि हर घर नल से जल पहुंचाने में हरियाणा देश में पहले स्थान पे है। ये बात मैं खैर लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका था। हमारे हरियाणा के अंदर 29 लाख परिवारों के घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुँच चुके हैं। मतलब ये एक छोटा सा सवाल बन सकता था, मैंने अलग से तो नहीं बनाया कि कितने लाख परिवारों के घरों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुँचा है। तो आपका जवाब रहेगा इसके अंदर 29 लाख परिवारों का। अच्छा ठीक है, ये डेटा तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा एक बात याद रखना कि हर घर नल से जल कार्यक्रम 2019 से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त लाल किले से जो ना इसके घोषणा की थी कि अब जो महिलाएं हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। कहने का सेंस यही है, सीधी सी बात है कि कॉमन सेंस है भी, अगर बहुत दिनों तक अगर आप लोग इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो कि सिर्फ पानी लाने के लिए आपको दोपहर में 3 बजे निकलना पड़ता है, शाम के 7 बज जाते हैं, दूर दूर तक पानी लाना पड़ता है, तो अपने जीवन पे आपका भी ध्यान दोगे। इसके लिए हर घर में नल से जल देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें गोवा तेलंगाना के बाद हरियाणा रहा और बड़े राज्यों की स्थिति में हरियाणा अपने आप को पहले नंबर पर मान रहा है, जिसने 29 लाख परिवारों को हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुँचा दिया। हालांकि हरियाणा में इसमें सबसे पहले ये काम जो पूरा किया गया था ना, वो किया गया था, एक जिला अंबाला है और एक जिला है पंचकुला है, ठीक है ना। पंचकुला के अंदर और अंबाला के अंदर, इन दो जिलों में ये काम सबसे पहले पूरा हुआ था हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा ने एक वादा किया था कि हम लोग डिजास्टर अभी जो आया है, इस डिजास्टर के चलते हुए हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए देंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसका अब ऑफिशियली एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का हरियाणा सरकार ने एक प्रिंट है वो पब्लिश किया है, जिसमें अमाउंट 5 करोड़ दिखा रखी है और कहा है कि ये आपदा राहत कोष हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये पैसा डाला गया है, 5 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो ना एम्पावरिंग यूथ, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के द्वारा अभी रिसेंटली जो है ना कुछ बच्चों को जॉब के लेटर हैं वो सौंपे गए हैं, तो उसका एक लेटर ये, मतलब आपके आगे फिलहाल के लिए एक फ़ोटो है। टोटल रजिस्ट्रेशन 291885 यूथ का हुआ था, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट जो है ना 105191 यूथ का, टोटल 251 वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, और फैसिलिटी जो है ना इनको ईपीएफ है, ईसीए, ईएसआई, इन सब की फैसिलिटी इनको दी जाएगी। रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ना रोजगार दिया गया, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। HKRNL याद कर लेना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड इसका नाम है।
आइए आज का पहला सेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में देश भर में हरियाणा राज्य तीसरे नंबर पर रहा है, थर्ड पोजिशन पे रहा है। इसमें एक्चुअली इसी श्रृंखला के अंदर जो है ना, गुजरात पहले नंबर पर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। हरियाणा ने अमृत महोत्सव के दौरान पूरे हरियाणा में लगभग 75,000 कार्यक्रम आयोजित करवाए, इसी करके हरियाणा राज्य तीसरे नंबर पे रहा। ये बात कही है कि संजीव कौशल है जो कि हरियाणा के मुख्य सचिव है उनके द्वारा। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव समापन समारोह में जो है वो वीडियो कॉल के माध्यम से ये बोल रहे थे और कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ये भी इनकी अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित हुआ था जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। उसी में पता लगा है कि हरियाणा राज्य जो है ना ये तीसरे नंबर पे है। इसमें REC ने अभी 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए आवदा ग्रुप के साथ MOU पे साइन किए हैं। ये REC का हेडक्वार्टर हरियाणा के कौन से जिले में है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा इसका हमारा, ठीक है ना। REC लिंक MOU विद आवदा ग्रुप टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ ओवर 5 ईयर, 5 साल के लिए ये पैसा लगा रहा है एक्चुअली। तो इसको अवाडा हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में आवदा ग्रुप कहेंगे। अवाडा ग्रुप ने REC लिमिटेड में जो कि पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है और REC अगले 5 सालों के लिए अवाडा ग्रुप के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इस MOU पर गोवा में G20 ग्रुप ऑफ 20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप की जो चौथी बैठक है इसके मौके पर साइन किए गए हैं। इसका समझौते का मतलब क्या है? इसका देखो मतलब यह है कि भारत के अंदर जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में जिसमें हरित जो ग्रीन हाइड्रोजन है या आपका जो है ना डेरिवेटिव या सोलर फोटोवोल्टिक विनिर्माण है, सोलर एनर्जी की कोशिश करेंगे या विंड एनर्जी या हाइब्रिड जितनी भी एनर्जी है उनके ऊपर हम काम करेंगे इन फ्यूचर के लिए, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी इन्हीं पर ही काम करने के लिए ये एक्चुअली समझौता हुआ है आपका। REC लिमिटेड जो है ना, जो पहले ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जानी करती थी, ये एक विद्युत मंत्रालय का एक प्रशासनिक कंट्रोल, विद्युत मंत्रालय के अंदर ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसके अंडर आने वाली एक नवरत्न कंपनी एक्चुअली है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम विवेक कुमार देवांगन है और 1969 में ये कंपनी बनी थी। हरियाणा के हेडक्वार्टर, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो पूछा जा सकता है, काफी प्यारा सवाल है ये, स्टैटिक वाला क्वेश्चन तो खैर पूछा ही जा सकता आपका। ऐसा ही एक सवाल बहुत बेहतरीन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया ने एब्सोल्यूट कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए, किसानों की ताकत को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ये एब्सोल्यूट का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है और इसके अलावा बायोगैस कंपनी है एक एब्सोल्यूट। इन्होंने जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसके तहत जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इससे किसानों को थोड़ा और ज्यादा मजबूती देने के लिए एक MOU साइन किया है। और इस टेक्निक से ऐसे क्या होगा कि एफिशिएंसी में बढ़ावा मिलेगा, किसानों की एफिशिएंसी, किसानों को अपने सटीक फसल की जितना नुकसान हुआ है वो अगर फिल करते हैं तो उनका सटीक तरीके से उनको पैसा भी मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि किसान उत्पादक संगठन, इनकी क्रेडिट प्रोफाइलिंग जो है ना उनको बढ़ावा मिलेगा, किसानों को ऋण वगैरह भी आसानी से मिल सकेगा, धोखाधड़ी कम होगी समझिएगा, एग्रीकल्चर पे को ढंग से मॉनिटर किया जा सकेगा, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ढंग से किया जा सकेगा कि जितने भी गवर्नमेंट की आपकी योजना चल रही है उनको ठीक ढंग से जो है ना किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे, इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो है ना किसानों का जो जोखिम का पैटर्न है उसको कम से कम करेंगे ताकि किसानों को कोई खतरा ना हो और
ये किसानों की जलवायु के अनुकूल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब मान लेते हैं कई बार क्या होता है, किसानों को ज्यादा पता नहीं होता तो वो प्रतिकूल मौसम में भी कुछ चीजें उगा देते हैं, या मौसम की जलवायु की उनको खास पता नहीं होता है कि आज बिजाई की और कल के दिन सारी फसल तबाह हो गई है। तो सब चीजें जो है ना इस एब्सोल्यूट एग्रीकल्चर MOU के अंदर होने वाला है। एब्सोल्यूट की स्थापना 2015 में हुई थी, इसके संस्थापक और CEO अगम खरे है और इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंट जारी किया है, ये दूसरी बार किया है ऐसा। इसमें हरियाणा राज्य का कौन सा जिला इस इंडेक्स में सबसे गरीब है, तो गरीब के मामले में हरियाणा का सबसे गरीब जिला नो डाउट आपको अच्छे से पता है नूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो आप लोग कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी गरीब जनसंख्या है आपकी, तो मेवात का परसेंटेज आंकड़ा है 39.99, यानी कि नियर अबाउट 40% याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद में पलवल आता है, फतेहाबाद है, जींद है वगैरह वगैरह, बाकी जिले भी आते हैं। और कम की बात करते हैं तो ये पंचकुला के अंदर आता है और 1.42% के अराउंड ही है, काफी कम है यहाँ पे। हेल्थ प्रस्पेक्टिव बात की जाए, न्यूट्रिशंस वगैरह की बात की जाए, तो न्यूट्रिशंस भी दे रखे हैं हरियाणा राज्य के अंदर। कुछ बच्चे मुझसे रोज सवाल करते हैं कि सर परसेंटेज के हिसाब से सवाल पढ़ाओ आप, वो बजट में देखो, बजट से ज़्यादा जरूरी है ऐसे इंडेक्सेस जो रिलीज किए जाते हैं ना, वहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस डायमेंशन में 2015-16 के लिए जो कलर है वो आपका ये लाइट ग्रीन सा लग रहा है, सी ग्रीन बोलेंगे उसको, लड़कियों को ज़्यादा पता होता है एग्जैक्ट कलर का नाम, हम लड़कों के लिए तो हरा ही है वैसे ही, और नीचे ये थोड़ा डार्क ग्रीन कह सकते हैं हम लोग। तो 19 से 21 वाले का जो परसेंटेज है 5.72% है न्यूट्रिशंस के मामले में हरियाणा का। चाइल्ड एंड जो एडोलसेंट मोर्टेलिटी है वो 0.73 है, जो आपका मैटरनल हेल्थ है वो 4.63% है, ईयर ऑफ स्कूलिंग में आपका 2.88% है, स्कूल अटेंडेंस 2.39% है, कुकिंग फ्यूल 5.56% है, सैनिटाइजेशन 2.89%, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना 1.45%, इलेक्ट्रिसिटी 0.18%, हाउसिंग 4.25% और एसेट्स है 1.53%, बैंक अकाउंट 0.61% है, ठीक है। तो ये बाकी जो पिंक और बेबी पिंक टाइप का दे रखा है उसमें एक में स्टैंडर्ड लिविंग देखा रखी है, एक में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 19-20 की और एक आपकी 15-16 वाली, उन दोनों में फर्क दिखा रखा है कितना डिफरेंस आया है अभी। तो काफी जरूरी सवाल है ये वाला भी, अच्छे से याद रखना इसको भी आप लोग। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर कौन सी ट्रेन चलाई जाने की घोषणा है, तो ये ट्रेन है विस्टा डॉम ट्रेन। अच्छा पहले सर ये हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन जींद से सोनीपत के बीच में, यहाँ पे विस्टा डॉम ट्रेन होगी। फ्यूल में हो सकता है कि हाइड्रोजन भी चला दी जाए, अभी भी कोई फाइनल है नहीं उस चीज का, चला भी दी जाए, वैसे जींद सोनीपत की घोषणा हुई है लेकिन यहाँ की भी हो सकता है। लेकिन विस्टा डॉम का मतलब होता है कि ट्रेन ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ऐसे खुली है ताकि लोग ऐसे नजारे देख सकें, इसको विस्टा डॉम कहते हैं। तो कालका ट्रेन का मेकओवर अब होने वाला है, ये रेलवे मार्ग 120 साल के इतिहास में पहली बार कायाकल्प होगा यूं समझो। इसमें नैरो गेज है 0.762 मीटर का है, 96.6 किलोमीटर लंबा है ये। 1891 में दिल्ली को रेल से कालका से जोड़ा गया था, 12 साल बाद नवंबर 1903 में कालका और शिमला के बीच में रेल लाइन भी बिछा दी गई थी। पहली बार कालका शिमला रेल ट्रेन का जो रंग है ना नया रंग मिलने वाला है समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न टाइप के विस्टाडोम कोच है ना वो कुछ मिलेंगे, इस तरीके की चेयर होगी, ऊपर से ये खुले होंगे, साइडों से काफी सारा खुला एरिया का होगा, एसी होगा ताकि ठीक ढंग से लोग देख सकें, खा सकें, पी सकें, बहुत ही अंदर सुंदर का अंदर का जो इंटीरियर है बहुत सुंदर होगा। ये टाइप के जो है इनको बंद भी कर सकते हो, पर्दे भी लगा सकते हो, ऐसे ओपन भी कर सकते हो साइड में अगर आपको नहीं देखना है तो। हर एक विस्टाडोम कोच की लागत तकरीबन 1.3 करोड़ रुपए है, हर एक कोच में एयर कंडीशन सिस्टम है, बिजली सप्लाई है और इसके अलावा जो है वैक्यूम टॉयलेट है, लाइटनिंग फ्लोरिंग की सुविधा भी है, बैठ के यात्री शिमला की हसीन वादियों को देख सकेंगे। कोच में पावर विंडो की सुविधा है, अपने आप गेट बंद और ओपन करने की सुविधा भी कहिएगा। प्रॉपर व्यू कुछ इस टाइप का है, ये पैनोरमा वाइड व्यू विंडो है, CCTV, फायर अलार्म, ये सारी की सारी सेफ्टी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। विंडो आप कहिएगा वो भी पावर विंडो है, डोर हीटिंग कूलिंग पैकेज भी है, AC भी इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, गर्मी सर्दी दोनों का खास तौर पर ध्यान रखा है, पंखे LED है, लाइट्स है, बहुत सारी चीजें मतलब यहाँ पे जो है ना अत्याधुनिक रूप से की गई है। ये कालका शिमला रेलवे मार्ग अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखना तो ही आप हरियाणा में पढ़ रहे हो
से। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे 1100 एमसीक्यू वाला बैच लेना चाहते हैं ना, तो दोस्तों उसके अंदर मैंने टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी है, ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए टेस्ट सीरीज भी ऐड हो गई है उसके अंदर। तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को भी लगा सकते हो उसमें, मतलब आप हरियाणा जीके भी, रूरल मार्केटिंग, एनवायरमेंटल साइंस या मैथ है, रीजनिंग है, सबकी टेस्ट सीरीज भी उसमें ऐड कर दी गई है, तो उसको आप लोग जरूर ले सकते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। हरियाणा जीके के लिए भी हिम्मत बैच चल रहा है, ग्रुप डी का भी बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, और सीटी मेंस वीओडी कोर्सेस वगैरह बाकी तो अवेलेबल है ही है। फिलहाल के लिए आपका फायदे का सौदा होगा ये 1100 एमसीक्यू वाला बैच, क्योंकि पेपर है नजदीक आपका। आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हर राय, बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।